नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड शंभुतम तम नमामि शनिश्चरम ओम शम शनिश्चराय नमः। नमस्कार दर्शकों, मैं अंकिता थपलियाल आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम लाल किताब वाणी में। दर्शकों, आज शनिवार है, यानी कि आज शनिदेव का दिन है। शनिदेव कर्म फलदाता है, न्यायाधीश है, यानी सभी ग्रहों में सर्वश्रेष्ठ ग्रह है शनिदेव। शनिदेव हमें हमारे कर्मों के अनुसार ही फल प्रदान करते हैं। यदि शनिदेव की कृपा आप पर है तो आप रंग से राजा बन सकते हैं, और यानी कि शनिदेव आपके कर्म अगर अच्छे नहीं है तो आपको राजा से रंग बनाने में भी देरी नहीं करते शनिदेव। तो दर्शकों, अपने कर्म सुधारिए और किस प्रकार से शनिदेव की कृपा को आप प्राप्त कर सकते हैं तथा किस दशा में शनिदेव आपको शुभ व अशुभ फल प्रदान करते हैं, और साथ ही साथ क्या ही शनि की साढ़े साथी, शनि की ढैया और शनि की महादशा, ये सब बताने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है पंडित धर्मेंद्र जी। आइए उनका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंकिता। दर्शकों, बता दूं हमारा कार्यक्रम फोन लाइव, अगर आप भी कोई प्रश्न करना चाहते तथा जानना चाहते कि शनि की कौन सी दशा आप पे चल रही है, आपकी कुंडली में शनि देव आपको क्या कुछ शुभ व अशुभ फल प्रदान कर रहे हैं तथा अगर आपको व्यापार में घाटा हो रहा है, साथ ही साथ आपका दाम्पत्य जीवन सुखी नहीं है, यानी कि बहुत सारी समस्याएं आपके इर्द गिर्द घूम रही हैं, उन सभी समस्याओं का समाधान आप जानना चाहते हैं, अचूक उपाय आप जानना चाहते हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं शनि ग्रह की। शनि ग्रह जी कर्म फलदाता है, सभी ग्रहों में सर्वश्रेष्ठ है, सभी का नियंत्रण करते हैं, हमें हमारे कर्मों के अनुसार ही फल प्रदान करते हैं। और क्या कुछ करते हैं शनि ग्रह जी? देखिए अंकिता, आपने वैसे ही शनि देव के बारे में बहुत कुछ कह दिया है। शनि देव न्याय के देवता हैं, कर्म के देवता हैं, लेकिन लोगों के मन में एक भ्रम आ जाता है। जो भी काला रंग देखते हैं या शनिदेव के बारे में जो बचपन से सुनते आए हैं, शनिदेव ऐसे करते हैं, शनिदेव से नज़रें नहीं मिलानी, जो भी उनकी नज़रों के सामने आएगा वो भस्म हो जाएगा। भस्म होना हो तो शनिदेव के मंदिर में जो पुजारी हैं, जो रात दिन उनकी सेवा करते हैं, पहले वो भस्म क्यों नहीं हुए? तो ये सब दंत कथाएँ हैं, लोगों के दिमाग में एक भ्रमित है शनिदेव को लेकर के। शनिदेव बल्कि हमारे जीवन के अंदर, या ये कह लो शनिदेव ब्रह्मांड में बैठे, वो गुरु है, वो टीचर है, जो कुंदन को, जो लड़के को, जिसकी भी कुंडली में वो आते हैं, उसको कूट कूट कर सोने से कुंदन बनाना जो होता है वो शनिदेव का काम है। यानी कि उसको असली जीवन की, असली जीवन किसे कहते हैं, जीवन में करुणा का क्या भाव है, जीवन में दया का क्या भाव है, जीवन में दूसरे की सहायता करने का क्या भाव है, शनिदेव समझाते हैं। यानी कि शनिदेव जब कूट कूट के उसको सोने से कुंदन बनाते हैं, इसका भावार्थ ये है कि उसके कर्मों को या उसके अंदर जो अहम होता है, उसके अंदर जो घमंड होता है, उसको चकनाचूर कर देते हैं, उसका दिल इतना निर्मल, इतना कोमल बना देते हैं कि वो हर दुख के दुख को समझे, हर सुख के सुख को समझे, सबकी मदद करे। तो ऐसे हैं शनिदेव, इनसे डरना तो कभी नहीं चाहिए। और लाल किताब इसका समर्थन शुरू से करता हुआ है, शनि शत्रु नहीं है, मित्र है, मुझसे पहले और जीवन में पहले भी और आगे भी। शनिदेव के ऊपर, शनिदेव के जो उनके जो अनुयायी हैं, या शनिदेव के ऊपर जो उनके महंत हैं, या शनिदेव के बारे में जो भी लोग अब टीवी पे बोलते हैं, वो बिल्कुल सच बोलते हैं कि शनु शत्रु नहीं है, मित्र हैं, इनसे डरना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। और जिनके भी शनिदेव अच्छे होते हैं, उनकी आम निशानी में अंकिता आपके साथ बताता हूँ, जिनके अपने मकान हैं उनके शनिदेव अच्छे हैं, जिनके पास नौकर चाकर का सुख है उनके शनिदेव अच्छे हैं, जिन पे गाड़ियां हैं, काफिला है गाड़ियों का, उनके शनिदेव अच्छे हैं, जिनके मन में दया है उनके शनिदेव अच्छे हैं। और शनि, अब आगे चल के मैं आपको बताऊंगा शनिदेव खराब कैसे होते हैं। जिनके अपने मकान है लेकिन मकान ऊपर से या सड़क के लेवल से थोड़ा सा नीचे है, बरसात का पानी घर में आ जाता है, उनके शनिदेव खराब हो जाते हैं, ठीक है ना। जिनका भी अपने मकान मालिक या किरायेदार से संबंध बिगड़ गए हैं, उनसे झगड़ा हो गया है, या उनसे कोई ना कोई आए दिन परेशानी चलती रहती है, उनके शनिदेव खराब हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे कई तथ्य हैं जिनसे हम जान सकते हैं शनिदेव अच्छे कैसे हैं, शनिदेव बुरे कैसे हैं। उसमें करना कुछ नहीं है। अगर कुंडली में आपके शनिदेव अच्छे हैं तो आपने शनिदेव के दान बिल्कुल नहीं करने। अगर आपकी कुंडली में शनिदेव खराब है तो हर भाव के अलग अलग उपाय हैं, ऐसा इसमें कोई जनरल उपाय नहीं है कि आप अगर शनिदेव आपके खराब है तो आप ये उपाय करो या वो उपाय करो। जनरल उपाय शनिदेव के लिए बहुत कम है। आप ये भी कह सकते हैं कि कुंडली के अंदर जो ग्रह सबसे अच्छे हैं आप उनके दान कभी ना दें, और जो कुंडली में ग्रह खराब है आप उनके दान देंगे तो आपको जीवन में बहुत अधिक परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, और साथ ही साथ अच्छे कर्म आपको करते रहे तो शनिदेव की कृपा आप पर जरूर बनी रहेगी। शनिदेव के बारे में और कुछ भी जानेंगे कि आखिर किस प्रकार से हमारे कुंडली में क्या कुछ हमें शुभ व अशुभ फल प्रदान करते हैं शनिदेव, तथा जैसे कि पंडित जी ने बताया, हम ये भी जानेंगे कि जब शनिदेव खराब होते हैं, यानी जब शनिदेव की कृपा आप पर नहीं होती तो क्या कुछ आपके जीवन में घटित होता है, सभी जानकारी आज हम लेंगे पंडित जी से। लेकिन उससे पहले एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए, पंडित जी उनकी कॉल ले लेते हैं, समस्या को भी जान लेते हैं। जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका नाम?
नमस्कार जी, जी जी नाम बताइए अपना। मेरा नाम रवि है जी। रवि जी कहाँ से बोल रहे हैं आप? हम पंजाब से बोल रहे हैं जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। अपने बारे में जानना चाहते हैं कि अपने परिवार के सदस्य के हाँ बारे जी, में? अपने बारे में जी। 2 अगस्त 1962 सौ बासठ 2 अगस्त 1962, और जन्म का समय बताइए। सुबह 9:30 का जी। और जन्म स्थान भी बताइए। जन्म स्थान फरोजपुर है जी। जी रवि जी, अपना प्रश्न कीजिए अब आप पंडित जी से। परेशान जी, मैं देसी दवाई का हकीम हूँ जी। जी ते काम नहीं चलता जी। अच्छा जी, कब से ये सब रुकावटें आ रही हैं? ये जी कब से शुरू तो ही है जी। शुरू से ही, जब से आपने इस काम को शुरुआत की थी, है ना? नहीं, पहले तो ठीक था जी। चलिए, ये 10 साल से है जी। 10 साल से। हकीम साहब, अभी आप 54 एज में रनिंग कर रहे हैं, 10 साल पहले यानी कि 44-45 साल की उम्र में आपने कोई मकान बनाया था या मकान की रिपेयरिंग कराई थी? हाँ जी, मकान कोठी बनाई थी जी मेरे भाई ने। आपके भाई साहब ने कोठी बनाई थी, तो उसमें आपका भी योगदान था? नहीं जी, मैंने पैसे नहीं लगाए, पैसे उसने लगाए, या रहते मैं, वो तो फार्म में रहता जी। अच्छा, वो बाहर रहते हैं, रहते उस मकान में आप हैं। हाँ जी, देखिए हाँ जी। हकीम साहब, आपकी कुंडली में शनि केतु का संबंध है पंचम भाव में। इसमें यह कहा जाता है कि घर का कोई भी सदस्य अगर मकान बनाता है और मकान बनाने के बाद उसको जो परेशानी आती है वो एक आम बात है, क्योंकि शनिदेव मकान के भी प्रतीक होते हैं। रिश्ते में शनिदेव हमारे चाचा भी होते हैं, चाची भी होती हैं, ठीक है ना? तो हकीम साहब, इसमें क्या है, आपको बहुत ज़्यादा कुछ लंबा चौड़ा इसमें कुछ प्रॉब्लम करने की जरूरत नहीं है। आप उगते हुए सूरज को, हकीम साहब, उगते हुए सूरज को लोहे की कटोरी में सरसों का तेल भरकर उसको उषा काल के दौरान अपना इसे ऐसे देखिए, उसको जल देंगे ना कच्ची जमीन में, तो आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। सिर्फ इतना एक छोटा सा उपाय 43 दिन कर लीजिए, उसके बाद मुझको बताइएगा आपको कैसा महसूस हुआ है। हेलो, तेल का जी? हाँ जी, हाँ जी, सरसों के तेल का। तेल का मतलब सूरज को जल देना जी? नहीं, मैं आपको बताता हूँ उषा काल कब होता है हकीम साहब, जब सूर्य देव उग रहे हों, वो ठीक है जी। ठीक है ना? तो आपने क्या करना है, लोहे की कटोरी में सरसों का तेल भरकर जब सूर्य भगवान उग रहे हों तो उनको देखते हुए कच्ची जमीन पर गिराना है, ठीक है जी। ठीक है ना? 43 दिन आप ये उपाय कीजिए, आपको राहत मिलेगी। ठीक है जी, शुक्रिया। थैंक यू। जी बिल्कुल दर्शक, आपसे कहना चाहूंगी कि जो भी उपाय आपको बताए जाते हैं पंडित जी द्वारा, अगर उन उपायों में आपको कहीं ना कहीं वो समस्या आ रही कि किस विधि के साथ आपको करना है वो आप लिखना भूल गए, तो आपसे कहना चाहूंगी कि पंडित जी का जो नंबर है, जी हाँ, व्यक्तिगत नंबर है ये उनका, लगातार हमारे टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, इन नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, संस्थान से समस्त जानकारी को आप एकत्रित कर सकते हैं। साथ ही साथ, जैसे कि हमने कहा कि आज हम चर्चा कर रहे हैं शनिदेव की, आज शनिवार का दिन है, और साथ ही साथ आपसे कहना चाहूंगी कार्यक्रम में के अंत में आपको अचूक और अद्भुत उपाय बताया जाए आता है, जिसे हम कहते हैं टिप्स ऑफ द डे। तो साथ ही साथ अपने साथ कागज और कलम लेके आप जरूर बैठे, क्योंकि आज आपको अद्भुत उपाय बताने वाले हैं पंडित जी के, किस प्रकार से आप शनिदेव को प्रसन्न कर सकते हैं। आज हम बात कर रहे जी। हैं शनि की। शनि की जब बात होती है ना पंडित जी, डर जाते हैं शनि। अगर किसी पंडित जी ने कह दिया, किसी ज्योतिष आचार्य ने कह दिया कि भाई आपकी कुंडली में तो शनि की 7.5 ही है, ढैया है, महादशा है, तो बस आधी हालत वहीं खराब हो जाती है। लगता है कि अब हमें शनि के प्रकोप से कौन बचाएगा। क्या वाकई में जब शनि की ढैया, 7.5, महादशा आती है, हमें इतना डरना चाहिए जितना हमें डरा दिया जाता है? नहीं, डरना तो नहीं चाहिए। अब होता क्या है, जब एक व्यक्ति के ऊपर शनि की 7.5 आती है, शनि की उम्र आती है, शनि की दशा आती है, तो वो डिपेंड करता है उसके जीवन में जो कष्ट आना है। देखिए, जब कष्ट आना होता है ना तो उसको सही लोग नहीं मिलते, और जब सुख आना होता है तो उसको गलत लोग नहीं मिलते, उसको वही सुख लोग मिल जाते हैं। तो होता क्या है, शनिदेव इस जीवन के अंदर हमारे यहाँ जितने भी, अगर कहते हैं स्वर्ग है, स्वर्ग, अगर स्वर्ग का अगर शनिदेव जी एहसास कराते हैं तो वो शनिदेव ही कराते हैं। और जीवन में जिनके शनिदेव खराब हैं, वो लाख एड़ी चोटी तक का जोर लगा लें, वो जीवन में सुखी नहीं हो सकते। शनि जिस कुंडली के अंदर जब अच्छा होता है, जब शुक्र अच्छा होता है, और शुक्र जब अच्छा होता है जब केतु अच्छा होता है, यानी कि शनि शुक्र केतु जिनकी कुंडली में अच्छे हैं उनके साथ तो इज्जत मान प्रतिष्ठा धन वैभव ऐश्वर्य सब चीज इस पृथ्वी की उनके साथ चलती है। अब शुक्र शनि क्या है, शनि है चालाकी, अच्छा, चतुर चालाकी, शुक्र का जोश और केतु की पॉजिटिव सोच, जब ये तीनों गुण आदमी के अंदर आ जाएंगे तो उसके जीवन में नेगेटिव चीज होती ही नहीं है। वो अपने काम को अंजाम देके आगे तक चला जाता है और लोग उसके पीछे पीछे जाते हैं, लोग जहां भी जाएगा वो उसके साथ उसकी इज्जत मान प्रतिष्ठा सब साथ चलती है। अब है क्या, जिसके शनिदेव खराब है सबसे पहले उनको मकानों से संबंधित दिक्कत आ जाएगी, जी ठीक है ना? उनके मकान ऊपर से थोड़े नीचे होंगे, बरसात का पानी बाहर आ जाएगा, अगर भगवान ना करे उनके बाथरूम मैं एक स्टेप नीचे जाना हो तो उनको दुखों से कोई नहीं रोक सकता। यह मकान शनि का कारक है, ठीक है ना? ऐसे घर में सीलन आम होगी,
बच्चों के साथ संबंधित दिखते होंगी, पूरे हिंदुस्तान के लोग या जो जो लोग उनको जानते हैं उनको समझा समझा के थक जाएंगे। उन्होंने कहा ना इसको कुछ ही नहीं आता, अपनी मनमर्जी अपनी जिद्दी उनके मन में रहेगी। जिन लोगों के अपने मकान है वो काम से दुखी है, और जिनके अपने काम है वो मकान से दुखी है। ऐसे हैं शनिदेव। या ऐसे लोग जो व्यापार करते हैं अपनी जमीन के कागज अपने मकान के कागज बैंक में रख के अगर वो व्यापार करते हैं तो उनको आज नहीं तो कल मकान से संबंधित दिक्कत या शनि महाराज से संबंधित दिक्कत अवश्य आएंगी। तो ऐसे हैं शनि महाराज। अब ऐसे में अगर शनिदेव खराब हो जाए तो सबसे पहले क्या होता है, आदमी मेहनत तो करता है 100 रुपए के लिए, कमा के लाता 10-20 रुपए बड़ी मुश्किल से, और वो भी ऐसे मिलते हैं जिसमें उसके घर के खर्च बड़ी मुश्किल से चल जाए, घर में चिक चिक के माहौल हो जाते हैं सबसे। और ऐसे बच्चे में ना जिनके शनिदेव खराब होते हैं उनके अंदर गुण बहुत होता है, वो दिल के बहुत अच्छे होते हैं, और जब दिल के अच्छे होते हैं वो क्या करते हैं, मैं सबकी मदद करूं सबका कहना मानूं। उस अगर मान लीजिए आपको कोई परेशानी है और मेरा शनि खराब है, मैं आपकी मदद करने के लिए 1 मिनट में पहुंच जाऊंगा। अच्छा। इसी तरह उसको उसके आसपास का माहौल, उसके यार दोस्त उसके रिश्तेदार भी ऐसे मिलते हैं कि उससे उस लड़के से उस बच्चे से कैसे काम निकलवाए जाए। अच्छा। और काम निकलवाते हैं उसको बाद छोड़ देते हैं, फिर वो बाद में जब उसके ऊपर शनि की उम्र या शनि की 7.5 आती है उसको ये महसूस होता है कि यार सब लोगों ने मेरे साथ मिलके मेरे से उल्लू बनाया, मेरे से काम निकलवा लिया, आज मेरे ऊपर समय जब आया वो कहते हैं। कार्यक्रम को आगे देखने के लिए आप लॉग ऑन करें www.ehsastv.com पर।